तो यार जब इतना मुश्किल टाइम चल रहा हो कोविड का और उसके साथ आपको एंटरटेनमेंट आईपीएल जैसी मिले, तो आई डोंट थिंक सो कि आप घर में भी बोरिंग फील कर रहे होंगे। मैं तो बोरिंग नहीं फील करता ओबियसली, टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत मजा आता है, और क्योंकि वहां पे सारे बड़े प्लेयर है। इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स नॉट अबाउट आईपीएल। आई थिंक हम बड़े प्लेयर्स को देखते हैं, इसके लिए हम देखते हैं। काफी लोग समझते हैं कि यू नो वी डू दिस बिकॉज ऑफ व्यूज। नो, ठीक है आप कह सकते हैं यस, बट ऐसा भी नहीं है। काफी लोग देखते हैं इसको और अपनी ओपिनियन, अपना इस पे रिव्यू देते हैं, क्योंकि सारे बड़े प्लेयर आपको नजर आते हैं आईपीएल में, वो कहीं और आपको लीग्स में नजर नहीं आते। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरह दोस्तों, आईपीएल के मैच 25 की बात करें, आज 2 मैचेस खेले गए। पहला मैच जो था वो राजस्थान रॉयल वर्सेस मुंबई इंडियंस के था, जिसमें मुंबई इंडियंस ने के डिकॉक ने जो है वो सारा पानी फेर दिया मेहनत के ऊपर। वन साइडेड मैच था, और डिकॉक जिस तरह वो खेले आई थिंक अनबिलीवेबल। और आज के मैच में अभी जो भी खत्म हुआ है, डीसी वर्सेस केकेआर, केकेआर के लिए बहुत बुरा वक्त जा रहा है। अब काफी बातें भी हो रही हैं कि कैप्टन को चेंज करना चाहिए। कि देखें, बहुत कम ऐसे फॉरनर प्लेयर होते हैं जो कामयाब होते हैं, जिनको आप कैप्टन बनाते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता। ठीक है, उनको ऑब्वियसली वो सीनियर है, उनको क्रिकेट का बहुत पता है, लेकिन आई थिंक एज कंपेयर टू जिस तरह वो अपनी टीम को लीड करते हैं, अपना चूंकि उनको कंडीशंस का पता है, किस वक्त किस बॉलर को लगाना है, क्या करना है, किसको भेजना है, आई थिंक ऐसा वो लीग्स में नहीं करते इस तरह, बिकॉज उनको पता नहीं होता है, इतना नहीं पता होता है एज कंपेयर टू जिस तरह उनको अपनी टीम का पता होता है। तो आई थिंक केकेआर को ये बिल्कुल भी इस पे देखना होगा। मॉर्गन बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बहुत अच्छे कैप्टन भी हैं, लेकिन आईपीएल में अभी तक उसका जो है एज अ कैप्टन हमने इसको अग्रेसिव नहीं देखा। आज फिर वो आउट हुए जल्दी, और क्या ही बात की जाए पृथ्वी शॉ की। यंग यार, मैं इसकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जब वो छोटा बच्चा था, एंड ये होता है जब आप बचपन से ही कहते हो कि मुझे ये बनना है, और मुझे आप ऐसा शख्स बताएं जो इसमें कामयाब नहीं हुआ, जिसने ये कहा कि मुझे ये बनना है तो बन के दिखाता है और वो ग्रेट बनता है। ठीक है, अगर कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है तो वो बन जाता है, कोई कहता है मुझे अकाउंटेंट बनना है तो वो बन जाता है। तो इसी तरह पृथ्वी शाह ने आज बेहतरीन 82 रन की इनिंग्स खेली, 200 के स्ट्राइक रेट से 11 चौके और 3 छक्के मारे उसने। धवन थोड़ा स्लो खेले, और क्रेडिट जाता है पैट कमिंस को। जब आप नेकी के काम करते हैं, जब आप अच्छे काम करते हैं, आपको पता होगा कि पैट कमिंस ने जो है वो $50,000 जो है वो डोनेशन में दिए हैं ऑक्सीजन के। और आप जब अच्छे काम करते हैं तो आपको अच्छा जो है वो आप फील करते हैं, और आप अच्छा जो है आपको उसका रिटर्न मिलता है। तो पैट कमिंस ने अलबत्त 3 विकेट लेकर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बैटिंग जो थी वो नाकाम हुई। 144 रन सिर्फ बनाए उन्होंने, और इसको जो है डीसी ने ऐसे जो है लपेटा के पता ही नहीं चला, 16.3 ओवर्स में जो स्कोर को पूरा करके और अपना मैच जो जीत गया। क्योंकि यार बहुत स्लो जा रही है, डाउन जा रही है, दे हैव टू डू समथिंग टू। अभी भी उनके पास आई थिंक थोड़ा बहुत टाइम है कि वो थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। अगर आखिरी के वो अपने तमाम मैचेस जीते हैं तो वो ऊपर आ सकते हैं, वरना उनके लिए कोई भी चांस नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहाँ तक तो ख़त्म करते हैं। अपना रखिएगा ख्याल, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।